हरपुरपुर फतेहपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला समूह उन्नति क्लस्टर के मास्टर ट्रेनर श्यामा देवी चौहान के अथक प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अपने निजी आवास में बने ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन देहरादून के SSP दिलीप कुंवर की धर्मपत्नी विनीता कुंवर ने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनीता कुंवर ने कहा कि श्यामा चौहान के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनेंगी ही, साथ ही साथ धन उपार्जन के अवसर भी प्राप्त होंगे। वहीं दूसरी ओर मास्टर ट्रेनर श्यामा चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के द्वारा घर में बेकार पड़े कपड़ों से सुंदर आकर्षक बैग बना रहे हैं। इससे ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी, साथ ही अपने बनाए होम प्रोडक्ट से आय का साधन भी प्राप्त होगा। पहले तो श्यामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो है हमको यहाँ इन्वाइट किया है और उनको जो है जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है और उन्होंने जो है बहुत सारी गरीब फैमिली की जो महिलाएं हैं उन लोगों को उनके हुनर जो उनके पास थे वो लोग अभी तक जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इन्होंने उनके हुनर को निखारा है और उन्होंने शायद कितने लोगों को रोजगार भी दिया है। और हम भी जो है छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी पुलिस लाइन की महिलाएं जो हैं थोड़ा बहुत कुछ इनसे सीख सकें और हम लोग भी हमारा जो एक संस्था चल रहा है अभी उपवा का, उसके आधार पे हम लोग भी थोड़ा सा अपने पुलिस लाइन की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें पछौदून विकासनगर डाकपत्र स्थित ट्रेंजिंग ग्राउंड का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेंजिंग ग्राउंड परिसर में ही जल विद्युत निगम, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, BDC मेंबर आदि के साथ कूड़ा निस्तारण के लिए बैठक के संबंधित इन विभाग के अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण तथा ट्रेंचिंग ग्राउंड के चारों ओर फेंसिंग लगाने का निर्देश दिया। ग्राउंड के चारों ओर खुला होने के कारण कूड़े के ढेर में गाय, प्लास्टिक इत्यादि गंदगी खा रहे थे। इसको स्वयं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने देखा तो ट्रेंचिंग ग्राउंड में काम कर रहे कर्मचारियों को इन गाय को हटाने को भी कहा। आपको बताते चले कि गौरक्षा के नाम पर संगठन कार्य कर रहे हैं, इसके बावजूद इन गायों को देखरेख करने वाला कोई नहीं है। आखिर सवाल ये उठता है कि गायों की रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले नेता ऐसे आवारा घूम रहे गायों की सुध क्यों नहीं ले रहे, जबकि गाय को गौ माता के नाम से पूजा जाता है, फिर इन गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों। क्षेत्र विधायक चौहान ने जल्द से जल्द कूड़ा निस्तारण करने तथा कूड़े को व्यवस्थित तरीके से निस्तारण करने का भी निर्देश दिया। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं इस समय डाक पत्थर जो स्थित जो कूड़ा निस्तारण जो टचिंग ग्राउंड है वहां पर मौजूद हूं और अभी यहां पर जो है कूड़ा निस्तारण को लेकर के अभी विभिन्न विभागों और जो है विधायक के द्वारा जो है UJBNL और जो है सिंचाई विभाग और सोजल आदि ये विभागों के साथ इन्होंने मीटिंग की है और ग्राम पंचायत के प्रधान भी थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चारों तरफ ये कूड़ा फैला हुआ है और यहाँ पर पशु देखिए जिसको हम हिंदू धर्म में गौ माता कहते हैं, गौ माता देखो गाय यहाँ कूड़ा को खा रहे हैं। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस कूड़ा को खाने के बाद इन पशुओं में किस तरह के जो है बीमारियां होंगी या किस तरह से जो है पशु जो है बीमार होंगे, ये जो है आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज के बैठक का क्या असर होता है और उस पर जो है ना इन पशुओं को रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तब तक के लिए आप उत्तराखंड समाचार के साथ बने रहिए, धन्यवाद। पर निरंतर कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है और खुशी की बात यह है कि इधर ये ग्राम पंचायत डाकपत्थर में प्रधान जी बहुत एक्टिव है इस इशू पर, इसलिए उन्होंने समय मांगा था और इसीलिए आज सभी जितने हमारे संबंधित विभाग है, जल विद्युत निगम है, उसके DGM साहब, उनके SDO साहब वगैरह सब लोग हैं। और आपको बता दें हनुमान धाम में आयोजित बैठक के दौरान न्यू हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने भारत में पश्चिम देशों के त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल भी एक है, जबकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष अब अप्रैल माह में मनाया जाता है। आज हम सभी न्यू हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम नया साल ना मनाकर जो 1 जनवरी को मनाया जाता है, अप्रैल माह में हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आने वाले वर्ष को नववर्ष के रूप में मनाने का प्रण लेते हैं। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करते हैं कि पश्चिमी देशों की संस्कृति पर्वों को ना मनाकर अपने भारत देश सनातन धर्म के ऐसे त्योहारों को जिन्हें हम भूल गए हैं उनको मनाने का हमारा कर्तव्य है। हमारे त्यौहार जिनमें से बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, हनुमान जयंती, गोवर्धन पूजा, विष्णु पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, नरक चतुर्थी, गौरी हवा उत्सव, महेश संक्रांति, हरतालिका तीज आदि ऐसे अनेक पर्वों को मनाना चाहिए जिन्हें हम भूल चुके हैं।